अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैयब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फास्टेस्ट वे में वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। मैंने जो सीखी है वो सीखी है यूट्यूब से। अब मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की सीखने में, तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं अगर आप यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए, HTML, CSS और JavaScript। इससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML कोडिंग में सबसे आसान चीज़ जो है वो है HTML। ये आप सिर्फ एक हफ्ते में सीख सकते हैं। मैंने जिस वीडियो से सीखा है वो आपको ऊपर दिख रही होगी। तो अब आपने YouTube से एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है, जो भी आप देखना चाहें। अगर वो 2 या 3 घंटे की है तो आप कोशिश करें एक दिन में ही उसको देखें और उसके साथ लिस्ट बनाएं, जैसे कि बटन कैसे ऐड होता है, वीडियो कैसे ऐड होती है। तो ये सब करने के बाद तो अगले दिन आपको फिर आना है, जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपसे नहीं हो तो फिर आपको वो वीडियो देखनी है। तो अगर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, फिर से वो उस वीडियो से देखें और फिर अप्लाई करने की कोशिश करें। ये आपको 3 दिन करना है। उस कोर्स में जो भी बताया गया है वो आपको फुल आना चाहिए। फिर आपको बाकी 3 दिन गूगल पर सर्च करना है टेम्पलेट्स फॉर HTML। तो आपको बाकी 3 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर सीख जाएंगे HTML। सेकंड जो है वो है CSS। CSS को सीखने में आपको तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता ही रहूँगा, क्योंकि CSS में कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी आप देखते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, बाकी आप खुद सीख जाएंगे आगे। इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे। तो फिर आपको YouTube से एक कोर्स उठा लेना है, जो भी आपको पसंद आए। तो फिर आपने जब कोर्स देखें तो इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आप दिन में 1 घंटा कोर्स देखें, बाकी आप जितनी चाहे प्रैक्टिस करें। आपको फिर से एक लिस्ट बनानी है और आपको एक प्रोजेक्ट सेव कर लेना है HTML का, ताकि आप उसमें चेंजिंग कर सकें जो भी CSS में हो रही है, जैसा कि कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकें। आपको कोर्स देखना है और उसी के साथ ही आपको 7 दिन प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने 3 दिन जो है वो है कि आपने देखना है कि जैसे अमेज़ोन का क्लोन होगा, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको नेटफ्लिक्स के क्लोन मिल जाएंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, और आप पहले से ही 1 हफ्ता जो है प्रॉपर्टीज सीखने में जो टाइम देते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो उसके बाद आपको जो है अगले 4 दिन वो जो भी आपने सीखा है उसको आपको कॉपी करने की कोशिश करनी है। तो ज़्यादा कोशिश आप क्लोन बनाने पे करें, और ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें फिर करें, आपको सेम टू सेम नहीं करना है। तो आपको उसके कलर चेंज करना है, जैसा वहाँ पर है आपको बिल्कुल वैसा नहीं बनाना है। तो फिर आपको उसको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट है जावा स्क्रिप्ट। मैंने लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट सीखी है। जावा स्क्रिप्ट आपको आपकी वेबसाइट पर जान डालने में मदद करती है। ये उससे आप कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी चीज़ क्या काम करेगी, ये आप जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपने सबसे पहले जाना है गूगल पर, और वहाँ पर सर्च करना है डॉक्यूमेंट्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो फिर आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ से पढ़ लेना है। तो फिर उसके बाद यूट्यूब पर जाके कोर्स आपको सर्च करना है, और जब भी आप कोई भी पहला टॉपिक देखें तो सबसे पहला टॉपिक होता है वेरिएबल्स। जब भी आप वेरिएबल पढ़ें, उनसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें और फिर बाद में वीडियो को देखें। तो आपको 1 हफ्ते में ये कोर्स ख़त्म करना है। आप पहले डॉक्यूमेंट्स देखें फिर वीडियो देखें, आपको 1 हफ्ता लगेगा
कि आप जो है वो सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है यूट्यूब पर और वहाँ पर जाके सर्च करना है प्रोजेक्ट्स ऑफ HTML CSS एंड JavaScript। आपको वहाँ से देखकर आपको बनाने की कोशिश करनी है। एक बार आप उनको उसको देखकर बनाएं और उसके बाद उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो अगर आपने जो भी JavaScript के कोर्स में सीखा है वो कैसे काम करता है आप इससे सीख जाएंगे। अगर जो मैंने आपको बताया आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे कोडिंग, और आगे भी आप ही सीखते ही रहेंगे पर आप अच्छी खासी कोडिंग सीख जाएंगे HTML CSS और JavaScript, और आप इनसे वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। मैंने भी कुछ बनाई हैं जो आपको आखिर में दिखेंगी।